मैंने यहाँ पे कैमरा रखा है, उसके बाद मैंने आटा गूंथ के यहाँ रखा है, सारी चीजें यहाँ पे तैयार करके रखी है। मैंने सोचा आज मैं दिल की बातें भी करती हूँ आप लोगों से। अच्छा किया, पर वो दिन कब आएगा मेरे मरने के बाद। अच्छा, और कभी कभी पता है ताने भी मिलते हैं, लालची हो गई हो, भूखी हो गई हो, तुम्हें पैसे चाहिए इसलिए तुम व्लॉग बना रही हो। ये ताने मुझे अपनों से मिला। फालतू जाया नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज, ठीक है? इसी तिली से मैं चूल्हा जलाऊंगी। क्या लगता है, मतलब क्या लगता है यार, मतलब घर चलाना आसान काम है। मतलब कहते तुम्हें किस पागल ने बोला ये तो यूट्यूब से इनकम आएगी। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ। और आज का हम छोटा सा मिनी सा व्लॉग घर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मतलब क्या करना है आज ना, मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। आप लोगों के सामने ही स्टार्ट करती हूँ और हम करते हैं बातें, ठीक है? और व्लॉग को भी हम यहीं से ही, आज तो हम घर पे बैठ के बातें करेंगे और व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल मैंने व्लॉग बनाया था कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया, हाँ, जिसके जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मतलब प्रॉमिस और यही हुआ है कि मतलब अचानक से ही मेरे दिमाग में आया कि भाई क्यों ना मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूं यूट्यूब को। तो जिसके नुकसान तो मैं अभी तक भर रही हूं। अभी तक भी मुझसे कोई ठीक से बात नहीं करता, मतलब यार कभी कभी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ। मतलब कभी कभी ना इंसान थक जाता है ना, मैं भी अक्सर ना बहुत ज्यादा थक जाती हूँ यार। मतलब क्या है, मतलब कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है, अभी तक भी कोई नहीं समझ रहा कि ठीक है कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं, अब तो इतना टाइम गुजर गया। और अगर मैंने जिस तरह पहले स्टार्ट किया था ना, तो मैं उसको कंटिन्यू रखती तो शायद आज मेरा वॉच टाइम पूरा होता, पर खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। भिंडी बना रही हूँ, सिंपल सी प्याज डाली है मैंने इसके अंदर, ठीक है? प्याज डाली है, थोड़ा सा इसमें मैं जीरा डालती हूँ प्याज के साथ। एक तरफ हमारी भिंडी बनेगी, दूसरी तरफ मैं रोटी भी बना लूंगी, क्योंकि ना बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं ना, कहते हैं भूख लगी है भूख लगी है। यार मेरे हाथ में माचिस की तीली थी, वो कहाँ गई? फालतू जाया नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज, ठीक है? इसी तीली से मैं चूल्हा जलाऊंगी। जो इंसान खुद कमाता है ना, उसको पता होता है कहाँ पे क्या खर्च करना है, तो हम ना फिजूल में एक माचिस की तीली भी जाया नहीं करते। मैं इतनी काबिल हूँ? बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। मुझे लगता है एक ना एक दिन ना इंशाल्लाह इन सब ने कहना है कोई बात नहीं बेटा, आपने कुछ गलत नहीं किया, अपने लिए सोचा तो अच्छा किया। पर वो दिन कब आएगा मेरे मरने के बाद, उसके लिए क्या मुझे मरना पड़ेगा? नहीं यार, फिर मेरे बच्चे कौन पालेगा? किसी ने नहीं पालने होते बेटा। यहाँ आ जाओ थोड़ा सा, यूं हो जाओ, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, बल्कि नहीं, थोड़ा सा दूर करती हूँ उसको, अब ठीक है? हाँ अब बिल्कुल ठीक है। अब हम बनाएंगे रोटी। मतलब लोगों को क्या लगता है, मतलब क्या लगता है यार, मतलब घर चलाना आसान काम है। लोग यूं क्यों नहीं सोचते कि मतलब यार लड़की है बेचारी, बच्चे हैं, मतलब लोग ऐसे क्यों नहीं सोचते कि चलो अच्छी बात है मेहनत कर रही है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। लोग ऐसे क्यों नहीं सोचते मुझे बताएं। एक बात बताऊं, मुझे ना ये बालों का कलर अब बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है, अल्लाह की कसम। मैं कह रही हूं बस इसको जल्दी से चेंज करूं, बस इतना मुझे नापसंद लग रहा है ना अब ये कलर। आज जैनब को फोन करती हूँ, जैनब आज मैं तुम्हें फोन करूंगी, यार मुझे बालों पे कलर करो, मुझे नहीं पता, चेंज करो, बस डार्क करती हूँ वापस, अपने बालों को ब्लैक करती हूँ।
सॉरी ब्लैक नहीं, जो अपना कलर है ना ब्राउन वो करती हूँ। मतलब अपने जो बालों का कलर है ना, बस मुझ बस बहुत हो गया यार, बहुत बहुत फैशन हो गया, बहुत हो गया फैशन। बस मैं फैशन नहीं करी, मैं अपने बालों पे वापस से ना, आज ना मैं वापस अपने, आज तो नहीं सो रही, कुछ ज्यादा स्पीड में आ रही है, आज नहीं, आज तो नहीं, लेकिन ना मैं बनाऊंगी इसके ऊपर वीलॉग बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी डार्क शेड पे ना। तो अच्छा खैर, भिंडी में हम वो टमाटर डालते, प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा हम कैमरे को इस तरह कर लेते हैं, इस तरह, यस नाउ ओके। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज जाके कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मुझे ना शादी में एक आंटी मिली थी, ठीक है, अभी जो शादी थी, तो वो मुझे कह रही थी बेटा हर थोड़ा सा ना ठहराओ से बात किया करो, हम तुम्हारे व्लॉग देखते हैं, बहुत अच्छे बनाती हो, लेकिन ना थोड़ा सा आहिस्ता बोला करो। यार पता नहीं मेरे अंदर से ये बच्चों वाली आदत, मतलब मेरे अंदर से पता नहीं ये वाली आदत कब जाएगी, मुझे नहीं पता, वैसे आदतें मैं नहीं बदलती अपनी, मैं ऐसी हूं जैसी हूं, मैं बन नहीं सकती। तो ना उन्होंने कहा कि बेटा आहिस्ता बोला करो, अपनी बात समझाया करो, ठीक से बात किया करो, जिस तरह आप बात करती हो ना, ब्ला 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 कर देती हो। लेकिन अच्छा जब मैं और इकरा व्लॉग बनाते थे ना, इकरा और मैं, तो हम बहुत बातें करते थे, और बातें भी क्या, एक भी बात काम की नहीं, सारी फजूल बातें करते थे हम लोग। अच्छा खैर हाँ, एक और बात, मेरी बात सुने, इंस्टाग्राम फेसबुक और टिकटॉक पे भी मैंने आईडी बनाई है, ठीक है, तो प्लीज वहां जाके भी मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब भी जरूर किया करें मेरे चैनल को, ओके। और हाँ, अपनी राय से जरूर मुझे आगाह करते रहा करें कि आप लोगों को क्या, आप लोगों को क्या, मतलब मुझे बताया करें कि व्लॉग मेरे कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं नहीं होते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वैसे कोशिश में कर रही हूं, दिल कर रहा है एक बीसी डालूं और जाऊं मैं मरी और इस्लामाबाद, ठीक है, मरी और इस्लामाबाद जाऊं, ट्रेवलिंग करूं, व्लॉग बनाऊं, आए हाय क्या मजा आएगा, ऐसा होगा, देखती हूँ यार, कोशिश करती हूँ, कमेटी डालती हूँ, और जैसे ही कमेटी खुलेगी मैं जाऊंगी घूमने बाहर, ठीक है, पक्का हो गया, डन हो गया, डन, ठीक है, हाँ डन हो गया। वैसे भी मतलब किसी ने मुझसे खुश तो होना नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, पता नहीं होंगे भी या नहीं होंगे, अब मैं क्या, मैंने यही ठेका लिया हुआ यार, एक दिन सबने मान जाने पर एक बात सब याद रखें, सब, मैं आप सबको कह रही हूं, मेरे रिश्तेदारों, बहन भाइयों, माँ बाप, माँ बाप तुम्हें देख ही ना ले इसमें, और दोस्तों सबको कह रही हूं, जो लोग अभी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे ना, तो बाद में मुझे सपोर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिस दिन मेरा व्लॉग वायरल हो गया, अभी तो सब हंसते मजाक उड़ाते, कहते शर्म नहीं आती, मतलब कहते तुम्हें किस पागल ने बोला ये तो यूट्यूब से इनकम आएगी। अच्छा और कभी कभी पता है ताने भी मिलते हैं, लालची हो गई हो, भूखी हो गई हो, तुम्हें पैसे चाहिए इसलिए तुम व्लॉग बना रहे हो, ये ताने मुझे अपनों से मिला। कोई बात नहीं, खैर मेरी रोटी भी तैयार है और फुल शदीद वाली गर्मी है, ठीक है, और ना मेरी भिंडी, मैं आप लोगों से बातें भी कर रही थी, भिंडी भी बना रही थी और रोटी भी मैंने बना ली है, सब्जी काट ली थी मैंने पहले ही, तो इस बकवास के साथ, मेरे दिल की बातों के साथ इस व्लॉग को ना मैं करती हूँ टाटा बाय बाय। भिंडी मेरी बस तैयार है, थोड़ा सा दम आएगा, 5 से 10-7 मिनट इसको दम पे ही रखूंगी, भिंडी विल बी रेडी, और हाँ मैं जब खाऊंगी आप लोगों को बताऊंगी भिंडी कैसी बनी है।
लेकिन फिर आप लोग बोलेंगे इसने खुद बनाई है इसलिए कह रही अच्छी बनी है, लेकिन प्लीज 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 आप सब जरूर ट्राई कीजिएगा, सच में अच्छी बनती है। मीन्स कि इसमें भिंडी का टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें भिंडी का टेस्ट होता है, मतलब ना वो सूखी रूखी नहीं होती, जब आप खाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ भाई भिंडी है। और जो हम फ्राई कर लेते हैं ना, जो हम फ्राई कर लेते हैं तो उसमें काफी सारा जो भिंडी का टेस्ट होता है ना, और उसकी जो मतलब इसके अंदर जो ताकत होती है, इसको प्रोटीन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते, मुझे नहीं पता, जिसको पता है मुझे जरूर बताइएगा, वो होती है ना, वो खत्म हो जाती है फ्राई होने के बाद। लेकिन मैंने इसको फ्राई व्राई कुछ भी नहीं किया है, आपके सामने ही बस मैंने ऐसी, कितनी देर हो गई है, 13-14 मिनट हो गए, इतनी देर में मेरी भिंडी भी रेडी हो गई है, मेरी रोटी भी पक गई है, काम मेरा खत्म हो गया, घर का पूरा घर क्लीन किया है, इसके बाद मैंने यहाँ पे कैमरा रखा है, उसके बाद मैंने आटा गूंथ के यहाँ रखा है, सारी चीजें यहाँ पे तैयार करके रखी है। मैंने सोचा आज मैं दिल की बातें भी करती हूँ आप लोगों से, साथ साथ काम भी करती हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि ना अभी मैं काम पे जाऊंगी ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, धूप होती है, व्लॉग बना ही नहीं पाती, टाइम ही नहीं मिलता, और वहां पे दिखाने के लिए होता ही क्या है, मेरा काम 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 और काम, बस काम। तो मैंने सोचा नहीं, चलो थोड़ा सा घर से ही बनाते अपना व्लॉग, और आज घर के व्लॉग को घर पे ही एंड करते, ठीक है। उम्मीद है आप सबको मेरी बकवास अच्छी लगी होगी, या नहीं भी लगी होगी तो कोई बात नहीं, और नाम मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, और शेयर भी कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए प्लीज सपोर्ट मी, मैं वापस एक दफा कह रही हूँ अपनी बात काट के, और ये मेरी बहुत ही गंदी आदत है कि मैं एक भी बात पूरी नहीं करती, सीख जाऊंगी ना, सीख तो रही हूँ। अच्छा खैर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।